The Wire Team. तीन तलाक और हलाला जैसे मुद्दे हमारे समाज से निकलने का नाम नहीं लेते। हाल ही में तीन तलाक के मुद्दे पर हो रही बहस में मौलाना ने एक महिला को थप्पड़ मारा है। लाइव टीवी पर मौलाना की इस हरकत से पूरा समाज शर्मिंदा है। हद तो तब हो गई जब मौलाना ने अपनी गलती को मानने से इनकार कर दिया और मौलाना का ये कहना है कि पहले उन्हें उकसाया गया था। पहले आपको हलाला का मतलब बता देते हैं। जब एक महिला और एक पुरुष एक दूसरे से तलाक लेना चाहे और वो महिला पहले पति से शादी तभी कर सकती है जब वो किसी और गैर मर्द के साथ संबंध बना ले। जी हाँ, सुनकर आपको कुछ अजीब लगा होगा, लेकिन एक महिला अपने पहले पति से शादी उसी वक्त कर सकती है जब वो किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उससे शादी करने के बाद उससे तलाक ले ले। जी हाँ, यही है हलाला का असली मतलब। और अब भी ऐसे कानूनों को रोका नहीं जाता। तीन तलाक से पीड़ित महिलाएं काफी ज्यादा दुखी रहती हैं। पुरुष पहले तो पूरी जिंदगी उसके जिस्म के साथ खेलते हैं और फिर आखिर में तीन तलाक तलाक बोलकर उन्हें तलाक दे देते हैं। आप ही सोचिए उन महिलाओं पर क्या गुजरती होगी जिन्हें सिर्फ तीन शब्दों के लिए छोड़ दिया जाता है। मुझे तलाक तीन बार तलाक तलाक कह के मुझे तलाक तलाक चार साल हो गई हमारी शादी को, छोड़ना चाहते हैं, तलाक तलाक कहकर छोड़ दिया है बिल्कुल। मुझसे क्या तलाक का जो पता चल रही है, ये जो कहते हैं यू के गलत है पता में हलाल की कहते हैं क्या हलाला करती हो तो क्या कहना हलाला करो तो मैं अपनाऊंगा तुझे, तो फिर मैं चली भी जाऊं तो क्या फायदा, फिर हलाला करके मुझे छोड़ दे, फिर हलाला क्या हो, हमें तो हम क्या वैश्याएं जो हम हलाला पे ही रहेंगे, क्या हमारी इज्जत नहीं है जरा बहुत माँ बाप होगी। अच्छा, टप्पल में कहाँ रहती हैं आप? टप्पल में कौन सा गांव? मदाड़ी वाली मस्जिद। जी, मदाड़ी वाली मस्जिद। अब वहाँ अपनी अपने मतलब मायके ही रह रही हूँ। मायके 9 महीने से मायके में रह रही हूँ। किस बात को लेकर छोड़ दिया था आपके पति ने? जो कहते पैसों के लालच में, मेरे पापा तो विकलांग हैं, तो पैसों के लालच में उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मार पीट कर दी मेरे साथ बहुत। तो क्या मानती है आपके मजहब में इस तरीके से लगातार होता आ रहा है, ये रुकना चाहिए? रुकना चाहिए बिल्कुल, हलाला बिल्कुल ना होना चाहिए। किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं इसके पीछे? किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं इसके पीछे? मुसलमान धर्म को मानते हैं। हम अपने मुसलमान भाइयों से पूछते हैं कि तुम्हें कुरान की कसम है कि तुम इस हलाले बंद खत्म करवा दो।